हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे थे ब्रेसिस गाइड, मैं रोहित आपके साथ। देखिए, बहुत से ब्रेसिस के पेशेंट हैं, उनका एक सवाल था कि ब्रेसिस ट्रीटमेंट के दौरान ब्रश कितनी बार करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी आप कुछ भी हार्ड फूड खाएंगे, ठीक है, लिक्विड खाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। लिक्विड अगर आप लेते हो, चाहे जूस हुआ, दूध हुआ, उस केस में तुरंत आप कुल्ला कर लेना, आपके जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसिस हैं, वो साफ़ रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई हार्ड फूड खाते हो तो तुरंत आपको जो है अपने दांतों के ऊपर जो ब्रेसिस हैं उसके ऊपर जो ऑर्थोडोंटिक ब्रश होता है, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको देंगे, उसको एक बार चला लेना है, ठीक है। टूथपेस्ट के साथ आपको हर समय ब्रश नहीं करना है, सुबह कर लो, शाम कर लो, काफ़ी है। लेकिन अगर आप कुछ भी सॉलिड खाओगे उसके तुरंत बाद एक बार अपने दांतों में ब्रश को चला लेना है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो भी आप खाना खाते हो सॉलिड, वो आपके ब्रेसिस में, अपने ब्रैकेट्स में नहीं चिपकेगा। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, सिर्फ दो बार ब्रश करते हैं, सुबह हो गया, एक रात को हो गया, सोने से पहले। तो इससे क्या होगा, क्या जो बीच में आपने जो भी खाया है वो आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें जाके चिपक जाता है, सूख जाता है। तो उससे आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। वैसे जंग लगने वाला कोई चक्कर नहीं, क्योंकि स्टील के बने रहते हैं, फिर भी ये जो गंदगी होती है जो फूड के तौर पे आपके ब्रैकेट्स में चिपक जाती है, जब ये सूख जाता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, पीले आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लगने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, ठीक है, इसी के चलते आप तुरंत खाने के बाद एक बार जो ऑर्थोडोंटिक ब्रश होता है वो अपने ब्रेसेस के ऊपर एक बार इस तरह से चला लें। कभी कभार ये होता है कि बहुत से पेशेंट क्या करते हैं कि ब्रश नहीं करते, उसके बाद जब उनके दांत पीले हो जाते हैं, उसके बाद जो ऑर्थोडोंटिक ब्रश होता है उससे अपने जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें साफ़ करने के लिए रगड़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभार जो वायर होता है वो टूट जाता है, जो पावर चेन बनाई जाती है स्टील की वायर की, वो टूट जाती है, ब्रैकेट्स भी उखड़ सकते हैं अगर आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्यों फोर्स लगाएंगे, क्योंकि आपके जो ब्रैकेट्स वो गंदे हो गए, उनको साफ करने के लिए आप ब्रश से ब्रैकेट्स में फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स आपको नहीं लगानी, बहुत ही हल्के हाथ से आपको ब्रैकेट्स के ऊपर चलाना है। तो हल्के हाथ से ब्रैकेट्स तभी साफ होंगे जब कुछ भी आप हार्ड फूड खाओगे उसके तुरंत बाद आप इसे ब्रश करोगे। अगर आप सिर्फ एक दिन में सिर्फ दो बार ब्रश करो, सुबह शाम करो, उसके बाद दिन भर खाते चले जा रहे हो, तो इससे जो आपके ब्रैकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, गंदगी चिपक जाएगी, फोर्स लगाओगे तो ब्रैकेट टूट सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।